क्या, क्योंकि आप एक और बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि नेता को अगर आप ये समझ रहे हैं, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो 3-5 करने में बड़े चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, चुनाव जीतने हारने के लिए वो तमाम तरह के तिकड़म करते हैं, इसमें उनका दिमाग चलता है। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें उनका दिमाग नहीं चलता है, तो कुछ का कुछ वो निर्णय लेने लगते हैं, समझ गए। और दूसरा, जो अधिकारी होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा समय समझ नहीं है, आपको मालूम है। अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है वो कॉरपोरेट डिपार्टमेंट में आ गया है, वो यूपीएससी से पढ़ के आ गया है, उनको लगता है कि हम चला लेंगे। एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट है, वो फाइनेंस का चीज देख रहा है, तो ये भी कंफ्यूजन है। तो पूरा सिस्टम में एक लोचा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें सरकार को जानकारी का अभाव है या सरकार वाकई में धूर्तता कर रही है, ये भी खोजना पड़ेगा अपने को। तो मैं, मेरी जो भूमिका है यहां पर, मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप लोग पिछले 25-30 वर्षों से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको मालूम है लेन देन कैसे हो रहा है, कैसे लोगों से ले रहे हैं, कैसे लोगों को लौटा रहे हैं, तो इसकी कितनी प्रक्रिया है। तो आप, मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा बड़े पंडित हैं इस मामले में, ज्यादा जानकार हैं। आप लोग जो राय देंगे वो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा, अगर सरकार की नीयत ठीक होगी तो। अगर सरकार की नीयत ये होगी कि अरे इसमें गोलमाल करके कुछ बायां दायां करके पैसे इधर उधर कर लो, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी नीयत है, वो कर नहीं पाएंगी, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, पहले शुरुआत में आपको याद होगा जब पोर्टल लॉन्च किया गया तो एक एप्रिहेंशन आया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार क्या करेगी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को फर्जी निवेशक बना करके पैसा दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसमें डिफिशियंसी आने शुरू हो गई। फर्जी पैसा ले ले इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। वैसे नटवर लाल आजकल बड़े बड़े नटवर लाल हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फुल प्रूफ है सारा कुछ, लेकिन इसकी संभावना 99.99% है कि नहीं हो पाएगी फर्जी पैसा। तो वो जो एप्रिहेंशन था तो वो तो खत्म हो गया कि सरकार अपने लोगों को पैसा देना चाहती है। बहुत बड़ी तेजी से फैला था मार्केट में कि सरकार इसीलिए आ रही है कि वहां से पैसा निकाल के अपने लोगों को चुनाव के पहले देना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो एप्रिहेंशन भी झूठ निकला। अब ये जो है गुमराह करने की बात, मेरी जो भूमिका है मीडिया की वो यही है कि सरकार के मन में एक पल के लिए भी ये ना बैठ जाए कि 25,000 करोड़ रुपए है इसको कहीं दबा लूं। हम उनको बैठने नहीं देंगे, हमारी नजर है उनके ऊपर, हम जनता से सीधे संपर्क में है, जनता से सीधे बात कर रहे हैं, जनता से, जनता की इच्छा को आप तक पहुंचा रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। और मुझे भी लगता है कि सरकार की शायद अभी नियत नहीं होगी, क्योंकि देखिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, आपका पैसा लेकर के वो बहुत अमीर हो जाएंगे, मुझे लगता है ये संदेह करना ठीक नहीं है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार में क्या करेंगे वो पैसा, वो होते हैं कुछ लोग, होते हैं कुछ बीमार होते हैं जो हवस रहती है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि सार्वजनिक जीवन में रह करके उनको चुनाव में जाना है, उनको झेलना है, झेल गए लास्ट चुनाव में, अब वो इस तरह का काम शायद नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार की नीयत ठीक है तो आपकी राय ये है कि हर एक जिले में जहां जहां निवेशक हैं और अधिक संख्या में निवेशक हैं, उसका कोई ना कोई तरीका निकाल करके निवेशक, एजेंट, सरकार सहारा का अधिकारी और सरकार का नुमाइंदा, ये मिलकर के सत्यापन करे और उनका पैसा दे दे। ये आपका मोटे तौर पर जो कह रहे हैं कि 2 घंटे में पैसा का निपटारा हो सकता है, अगर उनके पास 25,000 करोड़ रुपए है तो ये मोटे तौर पर 2 घंटे में निपटारा हो सकता है, लेकिन ये 2 घंटे तक लाने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये 2 घंटे की पूरी करने लगे सरकार, इसके लिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ गए कि नहीं। हाँ नौशाद भाई बोल दीजिए, संजय जी ने बोल लिया जी। तो जी संजय भाई माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं आपका समय ले रहा हूँ। आशुतोष जी देखिए, सरकार की नियत पे सवाल तो खड़े होते ही है सारी परिस्थिति को देखते हुए। अब मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, जब हम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नए मोर्चा में थे, उस दौरान अभिदेव शुक्ला जी थे।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।